हेलो एवरीवन, आई एम पूर्णिमा सिंह। वेलकम टू पूर्णिमा सुपर किचन। आज हम बनाएंगे काजू पान रोल, जो बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। काजू पान रोल बनाने के लिए मैंने काजू लिए हैं, 100 ग्राम काजू हैं। इनको एक घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दिया था गुनगुने पानी में। और 100 ग्राम मावा चाहिए होगा और ये चार पान के पत्ते चाहिए होंगे। और पानी लिया है मैंने चाशनी बनाने के लिए। और ये चटनी चाहिए होगी, पान चटनी कहीं भी मिल जाएगी आपको। बादाम चाहिए होगा और गुलकंद लिया है, चीनी चाहिए होगी। अब काजू को पीस लेंगे। ये फोर पान के पत्ते लिए हैं मैंने, इन्हें तोड़ के डाल लेंगे। इसे अच्छा कलर आ जाएगा और टेस्ट भी। अब इसका एक बारीक पेस्ट तैयार करेंगे। ये काजू पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें कितना अच्छा ग्रीन कलर आ गया है। इसमें 2 टेबलस्पून पानी डाला था मैंने। अब हम काजू रोल की स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए 100 ग्राम मावा ऐड कर देंगे। अब इसमें 3 टेबलस्पून गुलकंद डालेंगे, 2 टीस्पून पान चटनी डाल देंगे, 2 टीस्पून पान चटनी ऐड कर देंगे। स्लो फ्लेम पे थोड़ी देर पका लेंगे। 1 टेबलस्पून चीनी भी ऐड कर सकते हैं। गुलकंद मीठा होता है, अगर आप चाहें तो चीनी नहीं डालें। 2 टेबलस्पून बादाम डाल लेंगे कटे हुए। 2 टेबलस्पून पिस्ता भी ऐड कर देंगे। ये सूखा सा लग रहा है, 3-4 मिनट पकाया है मैंने। अब इसे ठंडा कर लेंगे। अब एक पैन में 1/2 कप चीनी डालेंगे, 1/4 कप पानी डालेंगे। हम चाशनी बना रहे हैं, चीनी मेल्ट होने तक पकाएंगे। हमें एक तार की चाशनी बनानी है। ये एक तार की चाशनी बन चुकी है। अब हम उंगली और अंगूठे के बीच में रख के देखेंगे। इस तरह से एक तार बन रहा है। अब काजू पेस्ट डाल लेंगे, जिसमें हमने पान के पत्ते भी डाले थे। इसे थोड़ा सा ब्राइट कलर देने के लिए मैं पाउडर कलर डाल रही हूँ, ग्रीन फूड कलर 1 पिंच। पान के पत्ते डालने से इसमें लाइट कलर आ ही गया था, इसलिए बहुत ही कम मैंने कलर डाला है। इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। हाई फ्लेम पे रखेंगे। थोड़ा सा थिक हो जाने के बाद फ्लेम को स्लो कर दें और 4-5 मिनट स्लो फ्लेम पे ऐसे ही पकाएं। ये देखिए, इससे घी से ऑयल निकलने लगा है काजू का। अब ये रेडी हो चुका है, ठंडा करेंगे। ये काजू मिश्रण बिल्कुल ठंडा हो गया है। इसे मैंने 1 घंटे फ्रिज में रख दिया था। इस तरह से मैंने एक प्लास्टिक शीट लगा ली है पार्टी पे। आपके पास इस तरह का अगर क्लिंग रैप नहीं हो तो आप कोई प्लास्टिक पॉलिथीन भी यूज कर सकते हैं। ये 2 गोलियां मैंने बना ली है, अब इन्हें बेलेंगे। बेलन पे मैंने घी लगा लिया है, अब बेल लेंगे। तो ऐसे बेलने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप उसके ऊपर एक और पॉलिथीन रखें, उसके बाद इस तरह से बेलने में बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से पॉलिथीन निकाल लें। खोए और गुलकंद की स्टफिंग जो तैयार की थी, उसे इस तरह से लंबा रोल कर लेंगे। इस तरह से साइड में रखेंगे। पॉलिथीन को धीरे से उठाएंगे और इस तरह से रोल करेंगे टाइट, फिर से मोड़ेंगे। पॉलिथीन को उठाते जाएंगे और इस तरह से मोड़ेंगे। दो राउंड ही मोड़ना है, उसके बाद एक्स्ट्रा कट कर दें। इस तरह से हल्के हाथ से दबा लें और साइड में को बंद कर लें। इस तरह से अब रोल को कट करेंगे छोटे छोटे पीसेस में, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं। इस तरह से हम रोल तैयार करेंगे। ये जो दिख रहा है इसे भी थोड़ा सा बंद कर देंगे प्रेस करते हुए, इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरा रोल भी तैयार करेंगे। सभी काजू रोल मैंने तैयार कर लिए हैं। स्टफिंग अगर थोड़ी सी बाहर दिखे भी तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी दिखती है।
और ये बहुत ही खाने में टेस्टी होते हैं। अगर आप ये खाएंगे तो आप मार्केट की मिठाई भूल जाएंगे। इसी तरह की अच्छी अच्छी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलेंगे। कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप इसे प्लेटिंग कर लेंगे। अब हम सिल्वर वर्क से सजा लेंगे। इन्हें आप एयर टाइट कंटेनर में रख दें फ्रिज में 2 घंटे के लिए, उसके बाद सर्व करें। और हमेशा इनको एयर टाइट में ही बंद करके रखना होगा, जिससे कि ये नरम नहीं है। अगर ऐसे रखेंगे तो ये नम पड़ जाएंगे। हमारे काजू पान रोल बिल्कुल रेडी हैं। आप भी अपने घर में बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।